आज चिकन तंदूरी बनाएंगे, वो भी बारबेक्यू में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अंकद लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून, हाफ लेमन जूस लेंगे, उसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा कलर के लिए, और डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, नमक स्वाद अनुसार देंगे, देंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और 2 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे, 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और अच्छा से फेंट लेंगे। अभी 800 ग्राम चिकन लेंगे और चिकन में थोड़ा सा कट लगा लेंगे और अच्छे से मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट के लिए रख देंगे। चलिए अभी बारबेक्यू रेडी कर लेते हैं। बारबेक्यू के नीचे भी मैं एल्युमिनियम फॉयल लगा लेंगे और जो ट्रे था वो ट्रे को भी हम एल्युमिनियम फॉयल से अच्छे से मोड़ लेंगे। अभी कोयला लेंगे, जो कोयला हम ऑनलाइन परचेज किए हैं मैं लिंक डाल दूंगी, देखिए इस टाइप का 5 kg कोयला हम ऑनलाइन बुक कर दिए थे अमेजोन से, बहुत अच्छा से आया है। ये जो एक केक दिया है जो आप लगा के भी जला सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर लेंगे और उसको इस टाइप इस तरह फोल्ड कर लेंगे, अच्छा से फोल्ड कर लेंगे, इस टाइप से 2 बना लेंगे, देखिए कैसे करके फोल्ड करना है, बहुत टाइट करके अच्छा से फोल्ड कर लेना है। और जो कुकिंग ऑयल आता है हम लोग का घर में जो हम यूज़ करते हैं, वही कुकिंग ऑयल में डीप करके इसको हम बारबेक्यू में डाल देंगे, मतलब अच्छा से उसको सोक करके डालना है। देखिए ये अच्छे से सोक कर लेंगे, ये नॉर्मल हम लोग का कुकिंग ऑयल है और बारबेक्यू के ऊपर रख देंगे। इस बारबेक्यू का रिव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिए अगर चेक नहीं किए होंगे तो। अभी कोयला लेंगे और कोयला चारों ओर से कवर कर देंगे और अच्छा से मतलब बहुत अच्छे से कवर कर देंगे, तो जलने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी ऐसे करके हम जला के देखिए मैं कैसे करके जला रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 15 to 20 मिनट्स लग ही जाता है। अब इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आराम से उसको जलने दीजिए, थोड़ा धुआँ निकल जाएगा तो फिर वो जल जाएगा आराम से, 15 to 20 मिनट्स के अंदर अच्छा से जल जाता है। कोयला अच्छा से जल गया है और उसको एक साइड में मैंने फैला लिया है, मतलब मुझे एक ही साइड में चाहिए वो साइड ज़रूरत नहीं है। एक हेयर ड्रायर लेंगे और उसको हवा देंगे मतलब ब्लो करेंगे, तो अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो आप जो हैंड फैन होता है उससे भी हवा कर सकते हैं। अभी बारबेक्यू ग्रिल इसके ऊपर बैठा लेंगे और थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे, तो चिकन डालने से वो चिपके ना, तो अच्छा से ऑयल ब्रश कर लिए है। अभी जो चिकन था वो मैरिनेट करके रखे थे जो चिकन, वो आधा घंटा पहले निकाल लेंगे, आधा घंटा पहले मैंने निकाल के रखी थी, तो अभी इसके ऊपर डाल देंगे। चिकन का एक साइड होने के लिए 15 मिनट्स लगेगा, 15 मिनट्स के बाद फिर उसको पलटा लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर बटर ब्रश करेंगे, और बटर ब्रश करने से थोड़ा जूसी भी होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, और बीच बीच में थोड़ा हवा भी करेंगे, मतलब हवा करने से थोड़ा आग भी अच्छा से आएगा, तो वो मतलब अच्छा से कुक होगा चिकन। देखिए कितना अच्छा से हो गया है, अभी इसके ऊपर बहुत सारा बटर लगाएंगे, बटर अपने हिसाब से लगाइए, जितना बटर लगाएंगे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।